1993 मुंबई धमाकों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को 5 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। संजय दत्त की वकील फरहाना शाह हमारे साथ इस वक्त हैं। मुझे लगता है उन्होंने जो भी किया है वो इंसाफ के तहत किया है। आप लोग रिव्यू वगैरह के लिए विचार कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे, जहाँ पर जजमेंट हम पढ़ने के बाद जहाँ तक मायने रखता है और जहाँ पर कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर रिव्यू करेंगे। तो संजय दत्त की वकील फरहाना शाह का ये कहना है कि इन लोगों को मायूसी जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और इनका ये भी कहना है कि जो महीने भर का जो समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके बीच में ये पूरी तरह से विचार करने के बाद पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।